हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक विद्यार्थी का कमेंट आया था कि सर जो अभी जो इंग्लिश का पेपर जो अभी 2020 का जो पेपर हुआ है जनरल इंग्लिश का, उसके अनसीन पेसेज को आप समझा दीजिए। हालांकि मैं जो 10 अनसीन पेसेज की जो सीरीज मैंने चलाई थी उसको मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन इस पेसेज को समझाना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसको हम समझते हैं। इसमें लॉर्ड कृष्ण के ऊपर ये पैसेज है, आइए इसको देखते हैं। देर वॉज एन आर्टिस्ट हु हैड ट्रेवल्ड फार एंड वाइड एंड हैड एन एक्सटेंसिव रेपुटेशन, कि एक आर्टिस्ट था, एक चित्रकार था, जिसने बहुत यात्रा की और उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी। मतलब एक ऐसा चित्रकार था जो बहुत अच्छे चित्र बनाता था और जिसका जिसका बहुत सम्मान था, जिसकी अपनी एक प्रतिष्ठा थी। बट सो फार ही हैड नॉट अचीव्ड एक्सेस टू कृष्णा, लेकिन अभी तक भी वो भगवान कृष्ण से मिल नहीं पाया था, उनके पास पहुंच नहीं पाया था। एज सच ही वॉज एनग्जियस टू सीक अप्रोबेशन फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा एज वेल। वो ऐसा लग रहा था कि मानो वो भगवान कृष्ण से प्रशंसा पाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था, यानी कि उसने सभी जगह से प्रतिष्ठा प्राप्त करी, प्रशंसा मिली उसे, लेकिन वो चाहता था कि भगवान कृष्ण भी उसकी प्रशंसा करे, इसलिए वो खुद भी बहुत ज्यादा उत्सुक था। लकीली वन डे ही गोट एन अपॉइंटमेंट विथ कृष्णा, और आखिरकार किस्मत से एक दिन भगवान कृष्ण से उसकी मुलाकात हुई। ही मेट हिम एंड रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे स्टिल। वो भगवान कृष्ण से मिला और उसने प्रार्थना करी उनसे कि वो स्थिर रहें, सो डेट ही कुड पेंट हिज पिक्चर, ताकि वो उनका चित्र बना सके। ही प्रिपेयर्ड द आउटलाइन एंड टोल्ड कृष्णा डेट ही वुड गेट रेडी विद द फाइनल पेंटिंग इन ए वीक्स टाइम। उसने आउटलाइन तैयार कर ली भगवान कृष्ण को स्थिर करके और उनसे कहा कि वो एक सप्ताह के समय में फाइनल पेंटिंग बनाकर सामने प्रस्तुत कर देगा। यानी कि अभी केवल आउटलाइन बना के वो बना लिए उसने, लेकिन एक सप्ताह में वो कंप्लीट ये जो पोर्ट्रेट जो बना रहा है, भगवान कृष्ण का चित्र बना रहा है, वो कंप्लीट कर देगा। कृष्णा न्यू द ईगो ऑफ द पेंटर। भगवान कृष्ण उस चित्रकार के अहंकार को जान गए थे। आफ्टर ए वीक द पेंटर ब्रॉट ए फिनिश्ड पोर्ट्रेट। एक सप्ताह के बाद चित्रकार एक जो कंप्लीट जो चलचित्र था वो बना के लाया, कवर्ड विथ ए व्हाइट क्लॉथ, जो सफेद कपड़े से कवर था। वेन ही अनकवर्ड द पेंटिंग, जब उसने वो कपड़ा खोला, पेंटिंग बाहर निकाली, द पेंटर हिमसेल्फ वॉज शॉक्ड टू फाइंड द लेक ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन कृष्णा एंड द पेंटिंग। जो पेंटर था वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया, चौंक गया, ये देखकर कि पेंटिंग और भगवान कृष्ण में समानता का अभाव है, यानी कि पेंटिंग कहीं से भी भगवान कृष्ण से मैच नहीं हो रही है। द पेंटर वॉज कंप्लीटली शेकन एंड आस्क्ड फॉर अनदर वीक टू गेट द जॉब डन। पेंटर बहुत ज्यादा हिल गया, क्योंकि उसके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, और उसने अतिरिक्त एक सप्ताह का समय और मांगा इसी कार्य को करने के लिए। द पेंटर ट्राइड सेवरल टाइम्स बट ईच टाइम द रिजल्ट वॉज इक्वली डिसअपॉइंटिंग। चित्रकार ने कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार जो परिणाम आता वो निराशाजनक ही रहता। यानी कि वो भगवान कृष्ण के समान पेंटिंग नहीं बना पा रहा था। इन कंप्लीट फ्रस्ट्रेशन एंड टोटल डिजेक्शन, पूर्ण हताशा और निराशा से ही वांटेड टू लीव द सिटी एंड गो अवे। उसने शहर त्यागने का सोचा, उसने सोचा कि वो सिटी छोड़कर कहीं चला जाए, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के चलचित्र को नहीं बना पा रहा था।
बिफोर ही लेफ्ट ही चार्ज्ड अपॉन सेज नारद। जाने से पहले उसको मौका मिला जो नारद जी है उनसे मिलने का, संत नारद। नारद टोल्ड हिम डेट ही वाज सिली टू अटेम्प्ट द पेंट द पिक्चर ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तो देवर्षि नारद ने उस चित्रकार से कहा कि वो मूर्ख है जो भगवान कृष्ण का की पेंटिंग बनाना चाहता है, उनका उनका चित्र बनाना चाहता है। अगर उसका ये प्रयास भी वो कर रहा है तो वो मूर्ख है। द लॉर्ड हैज नो फिक्स्ड फॉर्म एंड ही कैन चेंज हिज फेस एवरी सेकंड। कि भगवान का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है, वो हर सेकंड अपने चेहरे में बदलाव कर सकते हैं, तो आप कैसे बनाओगे उनका चित्र। नारद एडवाइज्ड इफ यू वांट टू पेंट हिम आई विल टेल यू ए वे विच इनेबल यू टू डू सो। नारद ने सलाह दी कि अगर तुम्हें उनका चित्र बनाना ही है तो मैं तुम्हें एक बात एक तरीका बताऊंगा जिससे तुम उनका चित्र बनाने में या ऐसा कार्य करने में सफल हो सकते हो। नारद विस्पर्ड समथिंग इन टू द ईयर ऑफ द आर्टिस्ट। नारद ने उस चित्रकार के कान में कुछ बुदबुदाया। विस्पर्ड का मतलब होता है धीमी आवाज में। तो उसने कह दिया नारद जी ने, फॉलोइंग द एडवाइस गिवन बाय नारद द पेंटर केम बैक विथ ए व्हाइट क्लॉथ कवरिंग समथिंग एंड अगेन अप्रोच्ड कृष्णा एंड टोल्ड हिम डेट दिस टाइम ही इज वेलकम टू चेंज टू एनी फॉर्म। तो देखिए इसमें आगे क्या हुआ कि नारद जी की बात को फॉलो करके, उनकी एडवाइस को मान करके पेंटर जो है वो एक सफेद कपड़े में वापस कुछ लाया है और वो भगवान कृष्ण के पास पहुंच गया और उनसे कहा कि इस समय वो चाहे तो अपना रूप बदल सकते हैं। जैसा कि हर बार भगवान कृष्ण करते ही थे, वो बना के लाता, वो भगवान कृष्ण का जो चेहरा था वो फिर अलग हो जाता, तो इस बार उसने खुद ही कह दिया कि अगर अब चाहो तो आप अपना रूप हर समय बदल सकते हो आप। द पेंटिंग अंडर ऑल सरकमस्टेंसेस विल लुक एग्जैक्टली लाइक हिम। कि पेंटिंग सभी परिस्थितियों में बिल्कुल उनके समान ही प्रतीत होगी, आप चाहे हर पल रूप बदलिए अपना। When the cloth was removed, जैसे ही कपड़ा हटाया गया, कृष्णा सा ओनली ए मिरर, भगवान कृष्ण ने देखा कि ये तो दर्पण है। एंड दिस मिरर प्रोड्यूस्ड एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ कृष्णा। और ये जो दर्पण है बिल्कुल जो भगवान कृष्ण की जो छवि है उसी को प्रस्तुत कर रहा था, क्योंकि अब वो तो दर्पण है, जैसा सामने वाला व्यक्ति वैसे दिखेगा उसमें। Therefore, from this story, we conclude that one cannot imagine God to be in a particular form. अतः इस कहानी से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भगवान जो ईश्वर होते हैं उनका कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं होता है। Neither can one describe God, और कोई भी ईश्वर को की व्याख्या नहीं कर सकता। Make your mind clear, clean and अनबायस्ड लाइक ए मिरर। कि आपको अपने दिमाग को स्वच्छ, निर्मल और निष्कपट उस मिरर के समान रखना पड़ेगा, दर्पण के समान रखना पड़ेगा। फील इट विद द लव एंड डिवोशन, उसको आपको प्रेम और समर्पण से भरना पड़ेगा। डेट इट सेल्फ विल इनेबल यू टू हैव ए ट्रू विजन ऑफ गॉड। तब जाकर कहीं आप ईश्वर के सच्चे रूप को देख सकते हो, पा सकते हो। तो आपको पैसे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है। व्हाट वाज द डिजायर ऑफ द आर्टिस्ट, कि जो चित्रकार था उसकी क्या इच्छा थी। अब देखिए इसके ऑप्शन देखिए जरा, मुझे इसमें कुछ मिस्टेक दिखती है। टू मीट लॉर्ड कृष्ण, की क्या वो भगवान कृष्ण से मिलने आया था। दूसरा है टू सीक हिज हेल्प, क्या भगवान कृष्ण से मदद मांगने आया था। टू पेंट हिज पिक्चर, क्या उनका चित्र बनाने आया था। ऑल ऑफ दिस, अब देखिए भगवान कृष्ण से मिलने भी आया था, उनका चित्र बनाने भी आया था, लेकिन उनकी मदद मांगने नहीं आया था। अच्छा, इस हेल्प की जगह पर हमारे इस पैसेज में एक शब्द आया है, अगर वो होता तो ऑल ऑफ दिस आ जाता।
टू सीक एप्रोबेशन, एप्रोबेशन का मतलब होता है एप्रोबेशन, एप्रोबेशन है वो, एप्रोबेशन का मतलब होता है प्रशंसा। लेकिन हमारे इस विकल्प में दे दिया इन्होंने टू सीक हिज हेल्प, तो हेल्प मतलब मदद करना होता है और एप्रोबेशन मतलब होता है प्रशंसा करना, तो मदद और प्रशंसा में कोई समानता नहीं है। तो या तो ये एक मिस्टेक हुई है, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन आप देखिए ऑल ऑफ दीज है, तो अगर यहाँ पर एप्रोबेशन होता तो ये चारों ऑप्शन सही हो जाते, लेकिन अब वो तो हेल्प निकला, तो हमारे पास जो हमें प्रश्न मिला है उसके अनुसार ही आंसर देना होगा। तो सबसे ज्यादा जो एग्जैक्ट इसका है वो रहेगा थर्ड, टू पेंट हिज पिक्चर, की भगवान कृष्ण का चित्र बनाने की उसकी इच्छा थी। प्रश्न में ये पूछा क्या इच्छा थी उसकी, तो आप समझ गए होंगे मेरी बात। आगे देखते हैं, लॉर्ड कृष्ण टेस्टेड द पेंटर बिकॉज, कि भगवान कृष्ण ने परीक्षा ली पेंटर की, क्योंकि क्यों ली, तो आप दूसरे ऑप्शन पर जाइए, ही वॉज इगोइस्टिक एंड एरोगेंट, कि जो पेंटर था बहुत ज्यादा उसको गर्व था और वो घमंडी था। पहला वाला ऑप्शन है ही वॉज वेरी पोलाइट, क्या वो विनम्र था, तो विनम्र तो नहीं था। ही वॉज वेरी हैंडसम, इसका इससे कोई संबंध ही नहीं है। ही वॉज वेरी सिली, वो मूर्ख था, ये बात भी नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ही वॉज इगोइस्टिक एंड एरोगेंट। आगे देखते हैं, द पेंटर ब्रॉट ए फिनिश्ड पेंटिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा कवर्ड विथ, कि जो पेंटर भगवान कृष्ण की पेंटिंग लाया था किससे ढकी हुई थी, कौन सा कपड़ा कैसा था, तो व्हाइट क्लॉथ, ये शुरू वाला ऑप्शन आ जाएगा इसमें। आगे देखते हैं हम, हु हेल्प्ड द पेंटर टू पेंट द पिक्चर ऑफ लॉर्ड कृष्ण, कि किसने मदद करी उस चित्रकार की भगवान कृष्ण के चित्र को बनाने में, तो इसमें आ जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, सेज नारद, नारद ने करी थी, जो नारद जी थे उन्होंने बताया था। हाउ मच टाइम डिड द पेंटर वॉन्ट टू गेट रेडी फॉर द पिक्चर, कितना समय चाहता था चित्रकार उस चित्र को तैयार करने में, तो इसमें आया है एक सप्ताह ही आया है, तो इसमें आ जाएगा वन वीक, पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगला है, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव डेट इज सिमिलर टू द वर्ड प्राउड, कि प्राउड मतलब गर्व होता है, उसी के समान आपको एक और शब्द, उसी के समान आपको शब्द छांटना है, तो इसमें देखिए तीसरा वाला मिल जाएगा आपको, ईगो, ईगो मतलब होता है गर्व, और प्राउड मतलब भी गर्व या घमंड, शोक मतलब चौंक जाना, फ्रस्ट्रेशन मतलब कि निराशा, डिजेक्शन मतलब हताशा, तो ये तो आएगा नहीं, प्राउड मतलब ईगो। आगे देखते हैं, फाइंड द अपोजिट ऑफ द वर्ड चीयरिंग इन द गिवन पैसेज, कि जो चीयरिंग जो शब्द है उसका अपोजिट आपको बताना है। चीयरिंग मतलब कि खुशियां मनाना, आनंद मनाना, जयकारा लगाना, इसका अपोजिट बताना है, तो अपोजिट इसमें हो जाएगा दूसरा वाला, आप देखिए डिसअपॉइंटिंग, डिसअपॉइंटिंग मतलब कि दुखी होना। बाकी जो इसमें दे रखे हैं उनके अर्थ बहुत अलग हैं। अगला देखते हैं हम, वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड डिवोशन, कि जो डिवोशन जो शब्द है ये एक नाउन है, इसकी वर्ब फॉर्म आपको बतानी है। तो देखिए सबसे पहला है डिवोट, डिवोट मतलब कि समर्पित करना। दूसरा है डिवोटी मतलब कि भक्त, डिवोटेडली मतलब कि भक्ति भाव पूर्वक। और चौथा है डिवोशनल मतलब कि समर्पण या धार्मिक। तो आपको वर्ब बताना है, तो इसमें पहले वाला आएगा डिवोट, डिवोट मतलब कि समर्पित करना, समर्पण करना, करना मतलब कि वर्ब, तो ये पहले वाला आ जाएगा इसमें। तो मैं आपको सभी ये बता देता हूँ क्या क्या है इसमें। देखो आपको प्रश्न में तो दिया था डिवोशन, वो तो एक नाउन है, भाववाचक संज्ञा है डिवोशन। पहला वाला आपको मैंने बता दिया कि ये वर्ब है। दूसरा वाला डिवोटी भक्त, ये भी नाउन है, क्योंकि भक्त किसी का नाम हो सकता है, मतलब हमने नाम दिया है किसी को उसके समर्पण को देखते हुए। डिवोटेडली ये एडवर्ब है, और डिवोशनल ये एडजेक्टिव है। आगे देखते हैं, दो दो नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड सेज नारद टेल द आर्टिस्ट, कि देवर्षि नारद या फिर नारद जी ने आर्टिस्ट को क्या कहा, तो क्या कहा था कि ईश्वर का कोई चित्र नहीं होता है, तुम मूर्ख हो जो उनका चित्र बना रहे हो, तो इसमें आ जाएगा नारद टोल्ड हिम डेट ही वाज सिली टू अटेम्प्ट द टू पेंट द पिक्चर ऑफ लॉर्ड कृष्ण, द लॉर्ड हैज नो फिक्स्ड फॉर्म एंड ही कैन चेंज हिज फेस एवरी सेकंड, कि वो मूर्ख है जो भगवान कृष्ण का चित्र बनाना चाहता है, क्योंकि वो हर समय
हर सेकंड अपना फॉर्म बदल सकते हैं, अपना रूप बदल सकते हैं, अपना फेस बदल सकते हैं। अगला है, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द गिवन पैसेज, इस पूरे पैसेज का निष्कर्ष क्या है। तो इसका निष्कर्ष हो जाएगा कि द कंक्लूजन ऑफ द गिवन पैसेज इज डेट वन कैन नॉट इमेजिन गॉड टू बी इन ए पर्टिकुलर फॉर्म, नाइदर कैन वन डिस्क्राइब गॉड, कि कोई भी ईश्वर को एक रूप में उसकी कल्पना नहीं कर सकता, ना ही ईश्वर का कोई वर्णन कर सकता है। आप चाहो तो इसको, इस आंसर को और बड़ा भी, जो लास्ट की जो लाइन है वो सारी आ सकती है इसमें, दो नंबर के हिसाब से आप देख लेना आपको कितना बड़ा लिखना है। मैंने पैसेज में से ही बताया है, तो इस तरह से मैंने पैसेज अच्छे से आपको समझा दिया है। अभी तक भी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें ताकि 12th क्लास के वीडियो आपको